नमस्कार, मैं आपके साथ नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। आइए हम आपको लेके चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। हाथरस के गांव ककरामई हसान में पुरानी रंजिश में एक युवक को दबंग आरोपियों ने बीच सड़क पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। आरोपियों ने पुलिस की मौजूदगी में मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने घायल को जिला अस्पताल में उपचार न देने से उत्तेजित परिजनों ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के पहुंचते ही पीड़ितों ने डॉक्टरों व एक सत्ताधारी नेता पर गंभीर आरोप लगाए, जिनको सुनकर जमा हुए लोग दंग रह गए। उनका सबसे अधिक गंभीर आरोप था कि राजनेता के दबाव में पुलिस और डॉक्टर सही से काम नहीं कर रहे, जबकि घायल की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आपको बता दें, यह मारपीट की घटना थाना हसान के गांव ककरामई की है। इस गांव के निवासी जितेंद्र सिंह चौहान किसी काम से बाजार जा रहे थे। गांव से कुछ दूरी पर उनके पड़ोसी शिवम, राहुल, निक्की आदि मिल गए और बाइक को जबरन रोक कर मारपीट शुरू कर दी। किसी प्रकार उसने पुलिस को सूचना दी। कुछ समय के बाद पुलिस पहुंची तो आरोपियों ने भागने की बजाय उल्टा पुलिस की मौजूदगी में मारपीट की और धमकी देते हुए भाग गए। मारपीट के दौरान पीड़ित के सर आदि स्थानों पर चोटें आईं। बागला जिला अस्पताल में लाकर उनको भर्ती करा दिया गया, मगर डॉक्टरों ने कोई उपचार नहीं दिया, जिससे गुस्से में आकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। बताया गया कि कुछ समय बाद पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी आ गई और डॉक्टरों के साथ साथ पीड़ितों से बात करने के बाद चली गई। इस दौरान पुलिस के सामने परिजन एक सत्ताधारी नेता पर दबाव बनाकर कार्यवाही न होने के गंभीर आरोप लगा रहे थे। न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी के लिए हाथरस से विष्णु नागर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतेंद्र है। यतेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप? गांव करार में। करार में असाइन? हाँ जी। झगड़ा किसके साथ हुआ है? झगड़ा हुआ है एक शिवम था। नहीं नहीं, आपके भाई का घायल का नाम क्या है? घायल का नाम है जितेंद्र चौहान। जितेंद्र चौहान जी। अच्छा, आपके भाई के साथ मारपीट हुई? वो कुछ कौन लोग हैं? वो ठाकुर हैं सर। आप कौन हैं? मैं ठाकुर हूँ सर। अच्छा, वो नाम क्या है उनका? नाम है एक राहुल है, एक शिवम है, एक निक्की है, एक मुकेश है, एक वो धर्मपाल है पप्पू। अच्छा, पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने मारपीट की और ईंटों से की सड़क पर डाल के सर। तो पुलिस थी मौजूद उस समय? पुलिस भी थी मौजूद 100 नंबर सर। अच्छा, आप पुलिस से झगड़ा नहीं हुआ? पुलिस क्यों करिए? इन्होंने हमें धमकाया सर। हाँ, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ? अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है सर। क्या नाम है भाई साहब का? यतेंद्र सिंह। यतेंद्र सिंह, आपके भाई के साथ मारपीट हुई है? भाई हैं आपके? मेरे भाई हैं सर। अच्छा, कब की घटना है ये? 1 बजे की, आज की सर। आज दोपहर की। आप वहाँ से रेफर हो गए हैं बागला अस्पताल आए? हाँ जी सर। तो यहाँ क्या 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 परेशानी हुई आपकी? सर, उसकी आंखों से अब अंधेरा हो रहा है, उसे दिख नहीं रहा। चांदों में ईंट लगाई मारी है पल्ली पार्टी ने सर। अच्छा, वो तो झगड़े में घायल हुआ? हाँ। झगड़े नहीं, डॉक्टरों की क्या लापरवाही? जो आपने डॉक्टरों की लापरवाही सर, मैं कह रहा हूँ मेडिकल, जो कह रहे हैं मेडिकल की, मैं कह रहा हूँ मलखान सिंह की सर। अच्छा, ये लोग अपनी चला रहे हैं? अपनी चला रहे हैं जी। और कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ 4 बजे से, इसीलिए आपने पुलिस को कॉल की? हाँ सर। अब पुलिस आई, क्या कर गई? पुलिस ये कह रही है आप चाहोगे ताँ करा लो आप। अच्छा, जो आपकी इच्छा। डॉक्टर तैयार हैं लिखने के लिए? मलखान डॉक्टर साहब नहीं तैयार था मलखान जी। ठीक है।